पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। आपसे कुछ ही देर पहले वो तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई थी। गुरुद्वारे में पीएम ने खाना भी बनाया, जो लंगर वहां पर होता है उसमें सेवा उन्होंने की, रोटियां बेलते हुए नजर आए, पंगत में बैठे लोगों के लिए लंगर सेवा भी की। बिहार दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज पीएम मोदी पटना के तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे थे। ये तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। पीएम ने यहां पर मत्था टेका, अरदास की, इसके बाद लंगर वाला जो पूरा का पूरा ये एरिया है देखिए, वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने खाना बनाया, रोटियां बेली, इसी के साथ पंगत में बैठे लोगों ने यहां पर पीएम को अपने बीच देखा तो वो उत्साहित भी थे यहां पर। और प्रधानमंत्री किस तरह वहां पर खाना परोसते हुए नजर आए, बनाते हुए नजर आए, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने है। पटना साहिब में दर्शन के लिए पीएम मोदी पहुंचे, सिर पर उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी। गुरुद्वारे में करीब 20 मिनट तक वो रुके और उस दौरान उनके साथ रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे भी थे। पटना साहिब में पीएम के कार्यक्रम को लेकर सिख समुदाय में बहुत उत्साह था, लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। और इस दौरान तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, मत्था उन्होंने टेका और उसके बाद लंगर में सेवा करते हुए भी नजर आए।